नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान कार्यस्थल पर किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमें और करना पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे अभी क्यों ये चर्चा में है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जितने भी आर्टिकल अभी लिखे जा रहे हैं लगभग लगभग आपके COVID-19 से संबंधित ही लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्योंकि अभी एक ही मुद्दा ही है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस। तो सभी आर्टिकल लगभग लगभग इसी से संबंधित रहते हैं। तो देखेंगे कि चर्चा का कारण क्या है, परिचय देख लेंगे, एक चुनौती और सरकारी प्रयास क्या रहे हैं और इसमें आपके सुझाव क्या हैं और आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप सभी को बता दें कि अभी यानी कि आज 15 जून 2020 तक आपके केस 3,32,424 के करीब पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि आप ही सोचिए कि आपके यहाँ जनसंख्या 135 से 40 करोड़ है, 135 से 40 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से 50-55 लाख टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग होती है, कितना मात्र 50-55 लाख, जिनमें से आपके 3,34,000 केस निकलते हैं। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे देश में टेस्टिंग बढ़ाने के कारण इतने केस देखे जा रहे हैं, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने शरीर का टेस्ट करवाएं तभी तो हमें पता चलेगा कि कितनी बीमारियां हमारे अंदर भरी पड़ी हुई हैं। तो यही हो रहा है। आपने दिल्ली का देखा है, पहले 7-8 हज़ार के करीब डेली के टेस्ट हो रहे थे, उसमें से घटाकर 5 हज़ार कर दिए थे, 4-5 हज़ार। उनमें से आपने देखा है कि 2,300 एक दिन में निकले, 5,000 टेस्ट हुए जिनमें से 2,300 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और आप समझ सकते हैं कि मुंबई से अब गांव की तरफ लोग पहुंच गए, सूरत आपके दिल्ली से, तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने के पूरे चांस हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में फैल भी चुका है। लेकिन आप वही जानते हैं ना, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है इसलिए और भी केस बढ़ सकते हैं। अभी कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, वहां बताया जा रहा है कि हमारे देश में अभी अगर अच्छे से टेस्टिंग हो तो 25 से 30 करोड़ कोरोना पॉजिटिव केस हमारे यहाँ मिलेंगे। फिलहाल मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा अपनी तरफ से आप लोगों से कि कृपया करके घर में रहें और जो भी काम है, अगर पर्सनल काम है या जरूरी काम है, तो उसके लिए निकलें और लौटने के बाद बड़ी सुरक्षा से लौटें, जाएं भी बड़ी सुरक्षा से, आएं भी। उस परिवार का ख्याल रखें जिसकी कोई गलती नहीं है, जो खुद घर में बैठा हुआ है, फिर आप कहीं जाएं और खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं और फिर साथ में परिवार को भी घसीट दें, तो आपकी तो गलती है, लेकिन फिर वो परिवार अगर उस गलती की सजा भुगते जो उसकी गलती ना हो तो अच्छा नहीं रहता है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अब आप भी देख रहे हैं कि सरकार ने भी हाथ अपना खींच लिया है। तो चलते देखते हैं हम लोग इसे COVID-19 महामारी के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा की चुनौती किस प्रकार है। विश्व के कई देशों पर विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के कारण लागू की गई तालाबंदी व अन्य सख्त पाबंदियां हटाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जिसमें वायरस के फिर से उभरने की आशंका भी गहरा रही है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न देशों की सरकारों से कार्यस्थलों पर COVID-19 के रोकथाम के लिए समुचित प्रबंधन करने का आग्रह किया है। एक बात आप भी समझ सकते हैं कि ज्यादा दिन लॉकडाउन रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। आप समझ सकते हैं कि जब चाइना, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका की इकोनॉमी हिल चुकी है तो हम तो बहुत नीचे आते हैं। जब इतने विकसित देश हिल चुके हैं इसकी मार में तो हम तो बहुत नीचे हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि लॉकडाउन हमेशा लगा कर रखें। तो अब आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने अब इकोनॉमी पर ध्यान देना चालू कर दिया लोगों को छोड़कर। COVID-19 महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों, नियोक्ता, सैनिक और पूरे समाज को काम करने वाली जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों को COVID-19 संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरों में घटती दरों को बनाए रखने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण है।
ताकि किसी भी तरह के संक्रमण इत्यादि से बचा जा सके। आप देख रहे हैं कि आपका देश यानी कि हमारा देश भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। आपको लग रहा होगा कि सब खुल गया तो लॉकडाउन, तो आपको लगता होगा कि सब बढ़िया हो गया। बढ़िया तो तभी होगा जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद ही आप लोग खोलकर घूम सकते हैं। तब तक आपको पाबंदी रखनी होगी। कोविड 19 के कारण कई तरह की अड़चनें उत्पन्न हो गई हैं। कोरोना वायरस से ने व्यवसायी जीवन की रूपरेखा की कायापलट कर डाली। इंधनों घर नए कार्यालय का रूप ले चुका है। इंटरनेट नया मीटिंग रूम हो चुका है। सहकर्मियों के साथ होने वाली ऑफिस बिक्सी कुछ समय के लिए इतिहास बन चुके हैं। आप समझिए ना मानिए, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। आप देखते हैं कि जब कोई भी जाता था तो घर से बाहर तो हाथ नहीं धोता था, आने के बाद बैठ जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था भी हो गई और दूसरी घर से ही मीटिंग होने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर आए करोड़ों रुपया खर्च हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, लेकिन अब उसी मीटिंग को आप लोग समझ सकते हैं कि ऑनलाइन हो रही है मीटिंग। कोविड 19 संकट आने की पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल की न्यूनतम स्तर पर थी, जबकि रियल जीडीपी के आधार पर 11 साल की न्यूनतम स्तर पर थी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले 40 साल की सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। अतः अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक ठप नहीं रखा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों के साथ साथ सरकारों के समक्ष लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चुनौती भी है। वैसे हमारी अर्थव्यवस्था की हालत तो कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गई थी खस्ता होना, लेकिन जितनी कमी बची हुई थी उतना आपके कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। चुनौतियां क्या क्या हैं? कम आय वाली नौकरियां जैसे आपकी रसोईया, नर्स, किराने की दुकान के कर्मचारी आदि कार्यस्थल से दूर रहकर नहीं की जा सकती है इस तरह के काम। प्रयास देखा गया है कि ज्यादातर कम आय वाली नौकरियों में बीमारी के दिनों का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे ज्यादातर लोगों के पास या तो बीमा नहीं होता, और फिर होता भी है तो कम राशि का होता है। ऐसे अनेक लोगों के लिए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके रखना वित्तीय बाधा के चलते असंभव हो सकता है। कैसा हो सकता है? असंभव हो सकता है। अब तो आपके कोर्ट ने भी कह दिया कि जो भी प्राइवेट कंपनी है उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया वेतन देना। अब वो दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से और न देने चाहें तो ना दे सकते हैं, समझ रहे हैं? सरकार द्वारा लोगों को घर से काम करने, भीड़ भाड़ से बचने, कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों की अनदेखी ना करने, बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। लेकिन व्यवसाय और रोजगार ऐसे हैं जिन्होंने ना तो घर से किया जा सकता है, ना ही सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का हूबहू पालन किया जा सकता है। अगर कोरोना वायरस का संक्रमण स्थानीय स्तर पर होता है तो आबादी का गरीब तबका, मसलन ड्राइवर, घरेलू नौकर, प्रवासी मजदूर, अन्य लोग निश्चित रूप से भारी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वे उतने शिक्षित नहीं है कि नए कोरोना वायरस के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हो सकें। आप समझ सकते हैं इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था भी इनकी इन्हें नहीं दे सकते हैं। अब जैसे बड़े लोगों को होता है, तो आप सिंधिया को ले लीजिए, तो उन्हें हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो उन्हें तो VIP ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं गरीबों का क्या हालत होगा। अगर उस तरफ पहुंच गया स्थानीय स्तर पर तो आप संभाले भी नहीं संभलने वाला है। कार्यस्थल पर या फिर खरीदारी करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है, और वैसे लोगों से भी संक्रमण फैलता है जिन्हें संभवतः पता नहीं होता है कि वे संक्रमित हैं या नहीं। इस कदम इसमें सरकारी प्रयास क्या रहे हैं उन्हें देखिए। भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण से संबंधित कई चुनौतियां व्याप्त हैं। भारत पर ऐसे आरोप लगते हैं कि यहाँ रक्षा हथियारों को खरीद प्रक्रिया काफी धीमी रहती है, जो उत्पादकों को हतोत्साहित करती है। रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियां जिन हथियारों या अन्य सामग्रियों का निर्माण करती हैं उनमें उन्नत प्रौद्योगिकी सीमित तौर पर उपस्थित होती है, जिससे वे विश्व के अन्य अत्याधुनिक हथियारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की खरीद पर कम बल देती है। भारत सरकार ऐसी कोई भी नीति को निर्मित नहीं करती है
जिससे कि स्वदेशी कंपनियों को पता चल सके कि आने वाले समय में सरकार किस तरह और कितने हथियारों या अन्य रक्षा सामग्री की खरीद करेगी। ऐसा न करने से भारतीय रक्षा कंपनियां पहले से ही तैयार नहीं कर पाती हैं तैयारी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO भारत सरकार का सलाहकार, विकासकर्ता, मूल्यांकनकर्ता रक्षा क्षेत्र से संबंधित, जबकि कोई निजी कंपनी सरकार के लिए रक्षा सामग्री का उत्पादन करती है तो DRDO ही उसका मूल्यांकन करता है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि DRDO और निजी कंपनियां एक ही प्रकार के उत्पाद बनाती हैं और इस स्थिति में DRDO का निजी कंपनी के परिप्रेक्ष्य में हितों का टकराव हो जाता है जो निजी क्षेत्र के लिए घातक है। सरकार की अगर प्रयासों की बात करें तो COVID-19 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सभी संस्थानों, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए। तो इस ऐप पर से आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल ऐप पर भी जोर दिया जा रहा है इस्तेमाल करने पर। सुझाव क्या है इसमें? सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रक्षा अधिग्रहण के लगभग 200 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है जिसका मूल लगभग 400 ट्रिलियन रुपए है। अब सरकार को चाहिए कि रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव अपने शुरुआती स्तर पर है उनका पुनर्निरीक्षण किया जाए, जहां जहां हो सके वहां स्वदेशी रक्षा हथियारों की खरीद को बढ़ावा दिया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रक्षा अधिग्रहण के समय तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रक्षा खरीद में दोहराव से बचा जा सके, अर्थात एक ही सामान को तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग न खरीदा जाए। यदि सरकार विदेश से रक्षा हथियारों को आयात करती है तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि उससे संबंधित अन्य उपकरणों का भारत में ही निर्माण हो। इसके अतिरिक्त विदेशी रक्षा समझौते के कुछ हिस्से को भारत में विनियमित करने हेतु सरल रखी जा सकती है, यथा राफेल विमान समझौते आदि। सरकार को रक्षा क्षेत्र से संबंधित दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना में को घोषित करना चाहिए। इसमें यह है बताया जाए कि भारतीय सेना को आगे आने वाले वर्षों में किस तरह की और कितने रक्षा हथियार एवं अन्य सामग्री की जरूरत है। इससे देशी रक्षा कंपनियां अपनी क्षमता को समय रहते विकसित कर पाएंगे। सरकार को रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी पारदर्शिता लानी होगी। बता रहा हूं ना कि अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश में लग चुकी है आपकी सरकार, स्वास्थ्य को छोड़कर। आगे की राय क्या हो सकती है? बिना किसी व्यवधान के कार्यस्थलों पर सुरक्षा वापसी के लिए निम्न सिफारिशों को अमल में लाया जा सकता है। कार्यस्थल पर संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से काम पर लौटने से पहले कर्मचारियों की जांच का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही कार्यस्थल पर आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। इस महामारी के समय में एहतियात बरतने की जरूरी है। संक्रमक महामारी के फैलने के दौरान हम अपने कर्मचारियों को सुरक्षा जिस तरह करते हैं उसी से समुदायों की सुरक्षा व्यवसायों की सहन क्षमता निर्धारित होगी। पेशेवर सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय अमल में लाकर ही हम कर्मचारियों, उनके परिवारों और बड़े समुदायों की जिंदगियों की रक्षा कर सकते हैं, कामकाज जारी रखना सुनिश्चित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से उबर सकते हैं। जोखिम पर नियंत्रण पाने के उपायों में कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप बदलाव करना अहम होगा, खासकर अग्नि मोर्चे पर डटे कर्मचारियों के लिए एहतियाती उपाय ध्यान में रखने होंगे। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें, डॉक्टर आपात स्थिति के लिए नियुक्त कर्मचारी, खुदरा भोजन व्यापार व साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। हम जानते हैं कि COVID-19 एक नया वायरस है जिसका अब तक कोई टीका नहीं बना है, लेकिन बुनियादी स्वच्छता और रोकथाम के उपाय द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए, बने रहिए, अच्छे से खुशहाल रहिए, अपनी सेफ्टी रखिए। आगे भी जो भी स्थिति रहेगी,
हम लोग बात करते रहेंगे इस पर।